हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। एज आई सेड, एग्जम्पशन इज वेरी बिग। तो अभी ये जो एग्जम्पशन का लिस्ट है, ये मिसेलिनियस लिस्ट है, जिसमें बहुत आपको टेक्निकल एंट्रीज नहीं मिलेगी, लेकिन हम कवर करना चाहते हैं सब कुछ। इसीलिए आपको थोड़ा साथ में, एज आई सेड, चार्ट्स आपके साथ रखिए, और जैसे ही मैं खत्म करता हूँ 5 मिनट इन्वेस्ट करके उसे रट दीजिए, ओके? क्योंकि एग्जम्पशन का आज ये जो सेगमेंट है चार्ट 13 वाला, उसमें टेक्निकल बहुत कम है, एक या दो अमेंडमेंट है, लेकिन एज आई सेड वी हैव टू कवर एंटायर एग्जम्पशन। एग्जम्पशन इज वेरी लेंथी, लगभग चार चार्ट सिर्फ एग्जम्पशन के हैं। सो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम, ओके? सबसे पहले LIC रिलेटेड एक सेगमेंट उठाते हैं, जिसमें इंश्योरेंस की बहुत सारी बातें की है, वो सब एक साथ कवर कर लिया है। तो ध्यान से देखते हैं व्हाट इट इज। सर्विसेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइडेड बाय एन्यूटी अंडर नेशनल पेंशन सिस्टम, ये वर्ड आए तो उसका मतलब आपको क्या करने का, उसे एग्जेम्प्ट कर देने का, ओके? नेशनल पेंशन सिस्टम आए, नेशनल पेंशन रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। सर्विसेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस प्रोवाइडेड और एग्री टू बी प्रोवाइडेड बाय इंडिया के आर्मी, इंडिया का नेवल, इंडिया का एयरफोर्स, ग्रुप इंश्योरेंस में आते हैं मेंबर्स के अंदर, तो पूरा ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट, उस पर GST नहीं लगेगी। सर्विसेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस और एग्री टू बी प्रोवाइड बाय नेवल ग्रुप इंश्योरेंस फंड टू द पर्सनल ऑफ कोस्ट गार्ड अंडर ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट। सर्विसेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस अंडर फॉलोइंग स्कीम, अभी ये सब स्कीम है, याद रख सकते हैं तो रखिए, नहीं याद रख सकते तो भी फाइन, ऐसा कुछ कॉर्नरिंग इसमें तो कभी आज तक उन्होंने किया नहीं, एंड वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग ऑल्सो दैट दे विल आस्क। आगे बढ़ते हैं, जनश्री बीमा योजना स्कीम है, आम आदमी बीमा योजना स्कीम है, ये आपको ध्यान रखना है, इसमें पहले अमेंडमेंट आया था, अप्रूव्ड बाय इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट, जिसके अंदर पहले मैक्सिमम कवर, ध्यान से देखो, मैक्सिमम कवर 50,000 रुपीज था, 50,000 रुपीज, अब वो बढ़ा दिया है और वो क्या हो गया है, 2 लैक्स। सो माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पे आपका जो पर्टिकुलर अमाउंट है वो 50,000 से बढ़ के 2 लाख हो गया है, तो ये MCQ प्रोबेबल है, ओके? तो आपको ध्यान रखना है। माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट जनरली फार्मर्स के लिए रहता है, जो लोग इंश्योरेंस लेते हैं खुद का, जिसका कवर 2 लाख से कम होगा उस पर GST नहीं जाएगा, ओके? दैट यू हैव टू रिमेंबर। फाइनल में तो उसको सम के साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं, इंश्योरेंस के सम के साथ, ओके? कि फर्स्ट ईयर के प्रीमियम के इतने परसेंट, सेकेंड ईयर के प्रीमियम के इतने परसेंट, वो सब आ जाएगा। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री व्यय वंदन योजना, ये सब स्कीम इंश्योरेंस की है, इसमें कुछ भी करते हो तो टैक्स नहीं लगेगा। दूसरी साइड मैंने आपको दो पेंशन स्कीम दी है, सर्विसेज बाय वे ऑफ कलेक्टिंग कॉन्ट्रीब्यूशन अंडर अटल पेंशन योजना एंड सर्विसेज बाय कॉन्ट्रीब्यूशन अंडर एनी पेंशन स्कीम ऑफ स्टेट गवर्नमेंट आर ऑल्सो एग्जेम्प्ट। फिर इस साइड आ जाओ, सर्विसेज बाय स्पेसिफाइड बॉडीज, इसमें आपको बॉडीज के नाम याद रखने हैं और कुछ नहीं। जैसे सर्विसेज प्रोवाइड बाय एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, यू कैन रिमेंबर ESIC। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय EPF एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय NPS नेशनल पेंशन सिस्टम, उस पर GST नहीं। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय IDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय SEBI, ये सब स्पेसिफाइड बॉडी जो भी सर्विसेज देती है उन पर GST नहीं लगेगा। अब आते हैं आगे, अंडर कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज में ले आते हैं, तो कंस्ट्रक्शन सर्विसेज के अंदर थोड़ा ध्यान रखने जैसा आइडिया फ्रेंड्स एवरीवन। ध्यान से देखिए, कंस्ट्रक्शन के अंदर सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट, प्योर लेबर, सिर्फ लेबर, आइदर फॉर कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग, इंस्टॉलेशन, कंप्लीटिंग, फिटिंग, रिपेयर, मेंटेनेंस। ध्यान से देखिए, रिनोवेशन, अल्टरेशन, सिविल स्ट्रक्चर और एनी अदर, ध्यान से देखिए क्या लिखा है,
ओरिजिनल वर्क, इसे स्क्वायर कर देना डियर फ्रेंड्स। ऐसा इंस्टीट्यूट ने एक बार क्वेश्चन पूछा था और ओरिजिनल वर्क नहीं था। ओरिजिनल वर्क होता है तो ही एग्जम्पशन होता है, अगर ओरिजिनल वर्क नहीं है, ओके, इट इज एक्सटेंशन और से इट इज रिपेयर्स, एक्सटेंशन नहीं, से इट इज रिपेयर्स ऑफ एग्जिस्टिंग वर्क दैट वॉज लायबल फॉर जीएसटी, तो वो आपको ध्यान रखना है। टू द बेनिफिशियरी लेड इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन, इंडिविजुअल घर है उसका, या फिर अटल प्रधानमंत्री आवास योजना में बहुत सारे लोगों को घर मिले हैं, ओके, मैंने तो देखे भी ऐसे लाइव एग्जाम्पल क्लोज रिलेटिव्स में भी, जो लोग फिनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं होते, फ्रेंड सर्कल में भी ऐसे भी लोग जो वाया वाया अपने वहाँ आते हैं कोई भी लोन लेने के लिए, तो इसमें काफ़ी सारे लोगों को अच्छा बेनिफिट मिला है एट वेरी लो कॉस्ट। सो आफ्टर लॉन्ग टाइम वी हैव गॉट सम इंटेलिजेंट प्राइम मिनिस्टर जो कुछ विजन से काम कर रहे हैं, बराबर। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के रिलेटेड प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट होता है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, वरना कॉस्ट बढ़ जाता है। सर्विस इज सप्लाइड बाय इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज बाय वे ऑफ कंस्ट्रक्शन इरेक्शन कमीशनिंग और इंस्टॉलेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सटेंडिंग इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, लेकिन कहां तक, ट्यूबवेल ऑफ फार्मर और एग्रीकल्चरिस्ट फॉर एग्रीकल्चर यूज, उसके लिए कंस्ट्रक्शन किया है, इंस्टॉलेशन किया है डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज का, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ये अमेंडमेंट है डियर फ्रेंड, दिस इज अमेंडमेंट, ओके, ये सेकेंड पार्ट क्या है, अमेंडमेंट। थर्ड, सर्विसेज बाय वे ऑफ प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इरेक्शन कमीशनिंग इंस्टॉलेशन ऑफ, अगेन देयर इज ओरिजिनल वर्क टू ए सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट, अगर किसी का एक घर बना रहे हैं, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स नहीं, किसी का एक घर बना रहे हैं और अगर उसमें प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट है तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगे, सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट है, ऐसा मना किया है, अदरवाइज देन पार्ट ऑफ रेसिडेंस कॉम्प्लेक्स, कॉलोनी नहीं, ओके। तो यहां पे आएगा सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट मीन सेल्फ कंटेन्ड रेसिडेंशियल यूनिट विच इज डिजाइन होली एंड प्रिंसिपली फॉर रेसिडेंशियल पर्पज ऑफ वन फैमिली ओनली, सो दैट इज कवर्ड। उसके बाद राइट टू एडमिशन, कई जगह पे हम घूमने जाते हैं, पार्टिसिपेशन करते हैं, उस पर किस तरह से जीएसटी लगता है, तो सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू म्यूजियम नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टाइगर रिजर्व और जू, सर्विसेज बाय वे एडमिशन टू प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स, ये सब एग्जेम्प्ट है, फीफा अंडर 17 एग्जेम्प्ट है। सर्विसेज बाय वे रेट राइट टू एडमिशन टू, अभी यहां पे ये ध्यान रखने जैसा है, ये सर्कस डांस थियोरेटिकल परफॉर्मेंस देखने गए, बैले अवार्ड फंक्शन कंसर्ट पीजेंट म्यूजिकल परफॉर्मेंस स्पोर्टिंग इवेंट अदर देन रिकॉग्नाइज या रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट एंड प्लेनेटेरियम, सो दे आर टेलिंग वेयर द कंसिडरेशन फॉर राइट टू एडमिशन ऑफ इवेंट प्लस ए बी सी इज नॉट मोर देन 500, तो एग्जेम्प्ट, नॉट मोर देन 500 तो एग्जेम्प्ट, अगर 500 से ज्यादा है तो टैक्सेबल, इज इट ओके डियर फ्रेंड्स। ये चार्ट जो है उसमें मुझे मदद द्रुनिल ने की है, अगर इसमें आपको कुछ एडवाइस देना है, अप्रिसिएशन देना है, ओके, कि जिसने भी बनाया, तो ये इसका नंबर है यहाँ पे, फाइन। अभी डियर फ्रेंड्स हम जो सेगमेंट लेने वाले हैं वो सबसे ऑड और लास्ट पार्ट होगा इसका, एग्जम्पशन का, मिसलिनियस का, तो मैं आपको पहले 2 मिनट देता हूँ स्क्रीन पे, इसे आप थोड़ा देख लीजिए एंड देन वी विल प्रोसीड।
तो डियर फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम. ओके, अदर एग्जेम्पशंस. अदर एग्जेम्पशन का पूरा बड़ा लिस्ट डाल दिया है, हमें खाली एक बार क्विक रिव्यू देख लेना है कि कुछ रह ना जाए. ट्रांसफर ऑफ गोइंग कंसर्न, अगर आप गोइंग कंसर्न ट्रांसफर करते हो, ऑन गोइंग कंपनी ट्रांसफर करते हो, तो उस पर जीएसटी नहीं लगता, नो जीएसटी. सर्विस इज प्रोवाइड बाय एन फीफा सब्सिडरी डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड टू फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप पे जीएसटी नहीं लगता. सर्विस इज बाय ट्रांजिट फ्रॉम नेपाल टू भूटान लैंडलॉक कंट्रीज पे जीएसटी नहीं लगता. रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, वो भी किसके लिए, रेसिडेंस के लिए. अगर आपने घर भाड़े पे दिया है रहने के लिए, होटल की तरह नहीं, होटल की तरह लिया है तो जीएसटी लग जाएगा. जैसे ओला, आपने देखा हो मेक माई ट्रिप में आप कई बार बाहर घूमने जाते हो, ओके, गोवा गए या कोई भी ऐसे पर्टिकुलर एरिया में गए जहाँ पे लोग उनके घर भी दे देते हैं रेंट पे, एक दिन के लिए, दो दिन के लिए, तीन दिन के लिए, वो इसमें कवर नहीं होगा डियर फ्रेंड्स. वो होटल ही माना जाता है जिसमें लोग बदलते रहते हैं. ओके, तो यहाँ पे रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर रेसिडेंस. सर्विस बाय होटल गेस्ट इन क्लब कैंपसाइट फॉर रेसिडेंशियल एंड लॉजिंग जिसका डिक्लेयर टैरिफ 1000 पर डे और इक्विलेंट हो या उससे कम हो. तो ये आपने देखा वो रिलीजियस में जो था उसके जैसा ही कनेक्ट कर दिया है, अगर 1000 से कम है तो जीएसटी नहीं, 1000 से ज्यादा है तो जीएसटी लगेगा. इज इट ओके? इसको मैं स्क्रीन में थोड़ा बड़ा कर देता हूँ सो यू कैन विजुअलाइज. उसके बाद आता है सर्विस बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर. अगर आप हायर पे देते हो ओके, देखिए ध्यान से. ओके, आगे बढ़ते हैं. अगर आपने हायर पे टू एसटी दैट इज स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को मोटर व्हीकल दिया है कैरी मोर देन 12 पैसेंजर और टू जीटीए, यानी हमने अपना व्हीकल इनमें से किसी को दिया है, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, नो जीएसटी. एक्सेस बाय रोड, आप रोड पे जाते हो टोल चार्जेस पे करते हो, तो टोल चार्जेस पे जीएसटी नहीं होता. ओके, टोल चार्जेस पे जीएसटी नहीं होता, वो याद रखना है आपको. उसके बाद अगर टोल चार्जेस आपने एन्यूटी से पे किया है, तो आपने देखा होगा अभी काफ़ी सारे हाईवे पे फास्टैग लग गया है. फास्टैग यानी क्या होता है, आपकी कार के ऊपर एक स्टिकर लगा देते हैं वो लोग, और वो प्रीपेड कार्ड की तरह हो जाता है. प्रीपेड कार्ड की तरह का मतलब क्या होता है, आपको रिचार्ज करवाना है उसके अंदर 500-1000 रुपये का, फिर हर बार आप गाड़ी लेके जाओगे तो आपका एक सेपरेट लेन रहता है, और फिर आप जैसे ही वहां से जाओगे तो उसमें से पैसे कट जाएंगे. ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी, तो एक यूटिलिटी से दूसरी यूटिलिटी में इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करते हो तो जीएसटी नहीं लगता. 10 इज लिटल इंपॉर्टेंट. अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय इनक्यूबेटी टू टोटल टर्नओवर अप टू 50 लाख, प्रोवाइडेड टोटल टर्नओवर इज लेस देन 50,000 ड्यूरिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एंड पीरियड ऑफ 3 ईयर इज नॉट एलैप्स्ड. यानी आपने एग्रीमेंट किया है, ये है क्या, इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. मान लो बेंगलोर में एक पर्टिकुलर एरिया है जो उन्होंने बोला है कि यहाँ पे कोई नई प्रोडक्ट बनाने वालों को हम फैसिलिटीज देंगे, इस एरिया को इनक्यूबेटर बोलते हैं, और यहाँ पे एक्स ने एक कंपनी बनाई जिसको हम इनक्यूबेटी बोलते हैं. अगर उसके अंदर वो पिछले तीन साल में अगर उसका टर्नओवर लेस देन 50 लाख है और बिजनेस स्टार्ट किया उसको सिर्फ 3 साल हुए, तो लेस देन 50 लाख है तो नो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड. जनरली रजिस्ट्रेशन कब चाहिए डियर फ्रेंड्स, 50 लाख पे नहीं, 20 लाख पे चाहिए. लेकिन 50 लाख तक भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं, अगर आप ये पर्टिकुलर एरिया में है और आप इनक्यूबेटी हो और आपको बिजनेस स्टार्ट किए 3 साल से ज्यादा नहीं हुए. FSSI आपने सुना होगा, ओके, इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है जो सब फूड चेकिंग करता है हर जगह पे. उन्होंने अगर कोई चीज चेक करने के लिए बिजनेस ऑपरेटर्स किए हैं, तो इन दैट केस यू हैव टू रिमेंबर
कि उस पर भी जीएसटी नहीं लगता। उसके बाद टैक्सेबल सर्विस प्रोवाइडेड और टू बी प्रोवाइडेड बाय टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर साइंस टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब भी आपको थोड़े नाम याद रखने पड़ेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप पार्क, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड एक्सेट्रा, ओके, बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड, तो भी आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा, उस पर जीएसटी नहीं भरना है। सर्विसेज बाय वे ऑफ कलेक्टिंग प्रोवाइडिंग न्यूज, स्क्वेयर कर दिए, न्यूज, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, प्रेस ट्रस्ट, उस पर भी जीएसटी नहीं लगता। पब्लिक लाइब्रेरीज, जहां पे आप बुक्स देते हो, नॉलेज एनहांस कंटेंट मिलता है, उस पर जीएसटी नहीं लगता, यहाँ पे आपकी कितनी भी इनकम हो। सर्विस बाय वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग टू एनी पर्सन फॉर बिजनेस एग्जीबिशन विच इज हेल्ड आउटसाइड इंडिया, अगर आपका कोई बिजनेस एग्जीबिशन इंडिया के बाहर है तो हम उस पर जीएसटी यू भी नहीं ले सकते, लेकिन उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है नहीं लेना चाहिए। सर्विस बाय वे ऑफ स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स, डियर फ्रेंड्स, स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स पे भी जीएसटी नहीं लगता, उसका जो भी इनकम है। फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन लोकेटेड इन इंडिया जो सर्विस देते हैं उस पर जीएसटी नहीं लगता। सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, उस पर भी जीएसटी नहीं लगता। सर्विस इज प्रोवाइडेड टू रेकग्नाइज स्पॉट बॉडी बाय इंडिविजुअल प्लेयर, रेफरी, अंपायर, कोच, पार्टिसिपेशन इन स्पॉटिंग इवेंट ऑर्गेनाइज बाय रेकग्नाइज स्पॉट बॉडी, उस पर जीएसटी नहीं लगता। या एक रेकग्नाइज स्पॉट बॉडी दूसरी रेकग्नाइज स्पॉट बॉडी को सर्विस देती है तो भी जीएसटी नहीं लगता। आपको पता होगा इस पे इंस्टीट्यूट ने एक क्वेश्चन बनाया था, ओके, रेकग्नाइज स्पॉट बॉडी में से इनकम हुई थी तो एग्जेम्प्ट, और गली क्रिकेट में कहीं पे रेफरी खड़े रहे थे और उसमें 20,000 रुपये मिले थे तो उस पे जीएसटी लगेगा। सर्विस इज ओन्ड बाय पब्लिक कन्वीनियंस, ओके, फॉर बाथरूम, वॉशरूम, लेबोरेटरीज, यूरिनल, टॉयलेट्स एक्सेट्रा, उस पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। तो डियर फ्रेंड्स, ये ऑड पार्ट, अभी भी एग्जम्पशन खत्म तो नहीं हुआ डियर फ्रेंड्स, लेकिन एक एलआईसी का सेगमेंट, स्पेसिफाइड बॉडी, पेंशन स्कीम, कंस्ट्रक्शन, राइट टू एडमिशन, अदर एग्जम्पशन एक्सेट्रा। एज आई सेड डियर फ्रेंड्स, इसे स्पीड में जाएंगे, ये सब आप लिखने जाओगे तो भी इतना टाइम बिगड़ेगा आपका, तो भी आपकी मर्जी, आई कैन नॉट फोर्स, बट सो मेनी पीपल्स हैव टेकन चार्ट दैट विल बी फॉर यूर बेनिफिट ओनली, बट एज यू आर विश दोज परचेज वेरी गुड, दोज हैव नॉट परचेज स्टिल आई एम अज्यूमिंग के यू आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर्स। इसके लिए आपको ध्रुनिल को व्हाट्सएप पे थैंक्स बोलना हो तो आप बोल सकते हो, ही हैज रियली वर्कड हार्ड, ओके, मेरी तैयारी नहीं होती है फिर भी वो बोलते हैं कि सर आप बनाओ वीडियो, बनाओ चार्ट्स में बनाता हूँ, ओके। तो यहाँ पे डियर फ्रेंड्स हमारा ये पर्टिकुलर सेक्शन खत्म होता है, थैंक यू वेरी मच।